मौत की रिपोर्ट। बेटमा के एक निजी गार्डन में हुए आयोजन में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चंद्र गुप्ता के द्वारा मनोज अग्रवाल को देपालपुर तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं गुप्ता द्वारा बताया गया कि केट संस्था के द्वारा पूर्व में GST का सरलीकरण किया गया था, अब व्यापारियों के हितों में संस्था मुद्रा बैंक लोन में आ रही व्यापारियों की कठिनाई को दूर करने का प्रयास कर रही है। मनोज अग्रवाल की नियुक्ति के दौरान कैलाश चंद्र खंडेलवाल, नीलेश उपाध्याय सहित वैश्य समाज देपालपुर और बेटमा मौजूद रहे। सभी ने अग्रवाल को बधाई देकर बेहतर कार्य करने के लिए शुभकामना दी। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड ने, जो कि देश की सबसे बड़ी खुदरा व्यापारियों की संस्था है, उसका गठन देपालपुर तहसील का आज हमने किया। श्री मनोज अग्रवाल जो एडवोकेट भी हैं और व्यापारी भी हैं, उनको हमने देपालपुर तहसील का अध्यक्ष बनाया है। वो अपनी नई कार्यकारिणी गठित शीघ्र ही करेंगे। मुख्य रूप से जो आज व्यापार में हमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, कैट जिस जो इसका शॉर्ट फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड का, कैट के मार्फत हम छोटे छोटे व्यापारियों की समस्या सुनते हैं, उनको सुलझाते हैं, सरकार तक उनको ले जाते हैं। कैट ने दो बहुत बड़े काम किए, GST का सरलीकरण और मुद्रा बैंक। आज भी मुद्रा बैंक ऐसी योजना है जिसमें महिलाओं को, व्यापारियों को 20 लाख रुपए तक का लोन बगैर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के मिलता है। उसकी स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने की है। उसको भी अभी ब्रांच में मैनेजर लोग देने मानाकानी करते हैं। हमने इनको ताकीद किया है कि भाई आप ऐसे प्रकरण जो भी हो वो आप बैंकों में लें और बैंकों को से कहें कि आप हमें कार्यशील पूंजी दे दें। और व्यापारी हितों के लिए जो कानून बनाना है, जो कानून में पेचीदगियाँ हैं जिससे व्यापार करने में हमें कठिनाई होती है, उनको भी हम सरलीकरण को ले जाएंगे और संभव हुआ तो उनको खत्म करेंगे। बेसिकली कैट का उद्देश्य है जो देपालपुर में मनोज अग्रवाल जी देखें। आज मुझे माननीय श्री रमेश जी गुप्ता, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, उनके द्वारा मुझे आज तहसील अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मेरे द्वारा समस्त तहसील के व्यापारियों को, जो उनको किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है, टैक्स से संबंधित, सेल टैक्स संबंधित, इनकम टैक्स संबंधित या किसी लोन के संबंधित, उसमें मेरा पूरा उनको सहयोग रहेगा। मैं अब एक नई टीम का गठन भी करने वाला हूँ, जिसमें मैं देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा, हाथोद सभी जगह की टीम बनाऊंगा। उसमें अपेक्षित जो भी मेरे साथी रहेंगे, वो जितने भी व्यापारी गण हैं, सबकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।